हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेस। आज हम देखते हैं समाकलन 7.4 का अपने आगे का क्वेश्चन। हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और हमारा आज का है क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा dx अपॉन 9x² प्लस 6x प्लस 5, ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसे हम कामन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/9 कामन लिया तो ये हमारा हो जाएगा dx अपॉन x² प्लस 6x अपॉन 9 प्लस 5/9। अब इसको हमें पूर्णवर्ग बनाना है। पूर्णवर्ग जब हम बनाएंगे तो पूर्णवर्ग बनाने के लिए हम थोड़ा सा रफ कार्य करके देखते हैं। पूर्णवर्ग बनाने के लिए क्या होता है, इसका मध्य पद है 6x अपॉन 9, मध्य पद गुणे 2/2 और उसके बाद प्रथम पद का वर्गमूल x हो जाएगा, का होल स्क्वायर कर देंगे। x कट जाएगा 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, यानी कि हमें 1/9 इसमें प्लस करना है, 1/9 हमें माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 1/9 dx अपॉन x² प्लस ये आपका हो जाएगा 2/3x और प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा 5/9 माइनस का 1/9, ये आपका हो जाएगा 1/9 dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 5/9 से माइनस का 1/9, तो ये हो जाएगा 4/9। अब ये आपका एक फार्मूला क्रिएट हो गया है, ये फार्मूला आपका बन गया है tan इनवर्स का। तो ये हो जाएगा 1/a यानी कि 2/3 tan इनवर्स x अपॉन a, x है x प्लस 1/3 अपॉन 2/3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/9 × 3/2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c। फिर ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है समाकलन करना है dx अपॉन √7 माइनस 6x माइनस x² का। जब इसका हम समाकलन करेंगे, समाकलन करने से पहले हमें अंडर रूट के अंदर इन्हें पूर्णवर्ग बनाना होगा। तो इसके लिए हम करेंगे 7, उसके बाद x वाले पर सारे एक साथ में कर लेते हैं माइनस कॉमन, तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस का 6x। पहले की तरह ही इसको पूर्णवर्ग बनाने का सिस्टम हम बनाएंगे, तो ये हो जाएगा मध्य पद 6x अपॉन 2x का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 3 × 3 = 9, यानी कि 9 हमें प्लस करना है और 9 माइनस करना है। तो ये हो जाएगा dx अपॉन √7, प्लस वाला बाहर रखेंगे, माइनस वाला अंदर रखेंगे, माइनस वाला जब अंदर रखेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा x² प्लस 6x प्लस 9। फिर ये हो जाएगा dx अपॉन √16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। फिर आपका ये फार्मूला एक बन गया है, ये आपका फार्मूला बना है 1/√a² माइनस x² का। ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स x/a का। तो इसको हम डायरेक्ट फार्मूले में रख दें, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह पर हमें रखना है x + 3 अपॉन a की जगह पर रखना है 4 + c, ये आपका। अगला क्वेश्चन हमारा है dx अपॉन x-1 ब्रैकेट में x-2। पहले इसको हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यानी कि ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे। जब ओपन करेंगे तो ये हमारा आएगा x² माइनस 3x प्लस 2। उसके बाद हम पहले की तरह इसे भी पूर्णवर्ग बनाएंगे। पूर्णवर्ग बनाने में आप देखिए रफ का कार्य है 3x/2x का होल स्क्वायर, x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 9/4 हमें प्लस करना है, 9/4 हमें माइनस करना है। ये आपका हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 9/4, फिर माइनस 9/4 प्लस 2,
फिर ये आपका हो जाएगा डी एक्स अपान, ये आपका फार्मूला क्रिएट हुआ एक्स माइनस, ये होल स्क्वायर बन जाएगा एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर ये बना। और जब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 × 8, 8 से 9, यानी कि माइनस का 1/4। फिर इसको जब और सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब आपका ये फार्मूला एक बन गया है, ये आपका फार्मूला क्रिएट हो गया लॉग का, ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 3/2 प्लस रूट एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/4 प्लस, और इसको जब सब सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका हो जाएगा 2x-3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 प्लस सी, और इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 3/2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं एक ही तरीके के हैं, आपको डिनोमिनेटर को पूर्ण वर्ग बनाकर ही सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन, अब हमें इसे भी पूर्ण वर्ग बनाना है, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट 8, फिर उसके बाद माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x। अब हमें इसे भी पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाने की प्रक्रिया वही, तो हम इसमें डायरेक्टली कर लेते हैं क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 8 माइनस, अब हमें देखना है कि इसमें हम क्या जोड़ें और क्या घटाएं, तो ये हो जाएगा 3x/2x का होल स्क्वायर, यानी कि इसमें भी हमें 9/4 प्लस करना है, 9/4 माइनस करना है, तो इसमें हम 9/4 प्लस वाला बाहर रखेंगे, माइनस वाला अंदर रखेंगे, क्योंकि माइनस जब कॉमन लेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x+9/4, फिर ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट 41/2 माइनस, ये आपका फार्मूला, ये होल स्क्वायर बन गया एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, फिर ये आपका हो जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। फिर जब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आपका साइन का फार्मूला बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपान है, एक्स की जगह पर है एक्स माइनस 3/2 और ए की जगह पर है √41/2, फिर जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2/, या ऐसे ही कर लें तो आपका एक तरह से देखें तो ये आपका आंसर जो है यहीं पर ये आ रहा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह है पहले के सवालों की तरह, इसको हम पहले गुणा कर लें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ये रूट के अंदर है तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स, फिर प्लस का ए बी। अब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने का प्रयास करें, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, अब इसमें हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2 जोड़ना है, उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी 2 का होल स्क्वायर घटाना है, इसको करके हमें सॉल्व करना है, ये हो जाएगा डी एक्स बाई, ये फार्मूला आपका बनेगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी 2 का होल स्क्वायर माइनस, जब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ए माइनस बी 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपका एक फार्मूला क्रिएट हो गया, इसमें हम फार्मूला लगा दें तो हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी 2 का होल स्क्वायर प्लस सी, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी 2
प्लस, इसकी जगह पर हम पहले वाली चीज़ें लिख सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि सेम चीज़ इन्हीं को हमने तोड़ा था, तो जो तोड़ा था उसी को हम फिर से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा x माइनस ए और x माइनस बी प्लस, ये आपका आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4x प्लस वन अपान अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस थ्री। अब हम डिनोमिनेटर को पुट कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा t। तो ये हो जाएगा 4x प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब 4x प्लस वन डी एक्स की जगह पर हम लिखेंगे डी टी अपान रूट टी, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस वन बाई टू डी टी। अब इसका हम समाकलन कर लेंगे, जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा टू रूट टी प्लस सी। ये हो जाएगा टू रूट टू की जगह पर, t की जगह पर लिखेंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस सी। ये आपका आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है समाकलन करना है x प्लस टू अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स का। इसको हम पहले अलग अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस का टू डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। अब इसको चाहे तो हम दो प्रकार से लगा सकते हैं, इसको आई वन मान लें और इसको आई टू करके लगा सकते हैं, या हम एक साथ में ही लगा सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इसके लिए हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टी। तो हो जाएगा टू एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी। अगर हम केवल x डी एक्स रखना चाहें तो ये हो जाएगा डी टी बाई टी, डी टी बाई टू। केवल हम इसके लिए पुट कर रहे हैं, ये अब x डी एक्स की जगह पर वो रखेंगे वन बाई टू डी टी अपान रूट टी, और इसे हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा फार्मूला क्रिएट हो रहा है, ये फार्मूला हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे टू बाहर कर लेंगे डी एक्स, और ये आपका फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। अब इसको हम समाकलन करते कर लें, तो ये हो जाएगा वन बाई टू। और अभी इसके अगले सवाल में हमने किया था वन अपान टी का, तो जब वन अपान रूट टू का टी का जब हम समाकलन करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा टू रूट टी प्लस, ये एक फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे, वो फार्मूला लॉग का है, लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू हमारी है एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, वन माइनस सी। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।